साल 1961 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, जिसने लगभग 160 किलोमीटर एरिया तक तबाही मचाई। इस ब्लास्ट की रोशनी 1000 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी और इससे निकलने वाली हीट वेव 100 किलोमीटर दूर तक के इंसान को थर्ड डिग्री तक जला सकती थी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि नागासाकी पर गिरा बॉम्ब सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही इंसान को थर्ड डिग्री तक जला सकता था। और इस बॉम्ब से जो रूम क्लाउड बना उसकी हाइट 60 किलोमीटर थी और नागासाकी वाले बॉम्ब की सिर्फ 6 किलोमीटर। इस विनाशकारी बॉम्ब को कभी वॉर में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। इस बॉम्ब का नाम है दी सार बॉम्बा।